असलकम रहमतुल्लाहि व वर्का अच्छा जी ये एक रेबिन का फ्रेम है जिसके अंदर आज हम पोलराइज लेंस फ़िट करने जा रहे हैं और ये हमारे वही पुराने कस्टमर हैं जिनके हमने इससे पहले ड्राइव सेफ लेंस बना के दिया जाइस के अंदर और एक क्लेरियन के अंदर हमने इनको फोटोक्रोमिक लेंस फ़िट करके दिया था अब ये क्लेरियन की प्रोडक्ट है जो कि पोलराइज लेंस है वो आज हम इसके अंदर फिट करने जा रहे हैं लेंस की क्वालिटी आप देख सकते हैं ये इनसाइड कोटिंग के साथ है और इस वीडियो में मैं आपको आ, ये भी बताऊंगा कि पोलोराइज़ हम किस तरह से चेक करते हैं कि ये वाकई पोलराइज़ है कि नहीं पहले प्रिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं राइट माइनस पोना सिलेंडर फोर्टी फाइव लेफ्ट माइनस पाउस से माइनस आधा हंड्रेड एक्सेस तो ये पोलोराइज ग्रे लेंस है ठीक है जी ये हम इसके अंदर फिट करने जा रहे हैं इसका चेक करने का तरीका भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये किस तरह से हम चेक करते हैं देखें ये मैंने एक लेंस 90 डिग्री पर रखा है और एक लेंस 180 डिग्री पर रखा है तो जब मैं इस तरह से रखूंगा तो ब्लॉक हो जाता है विजन जब मैं दोनों लेंसेज को 180 डिग्री पर लेकर आऊँगा तो मेरा विज़न क्लियर हो जाता है ठीक है जी तो अब ये देखें दोबारा से मैं इसको नाइन्टी डिग्री पर जब मैंने एक लेंस को रखा और एक लेंस को वन डिग्री पर रखा तो मेरा विज़न ब्लॉक होगी ग्लासेज अभी फिटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं जैसे ही ग्लासेज रेडी होते हैं आपको दिखाता हूँ अलहमदल्ला ग्लासेस बिल्कुल रेडी हो गए हैं आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट फ्रेम है रेबिन का और इसके अंदर हमने पोलराइज लेंस फिट करा है ग्रे कलर के अंदर और ये इनसाइड कोटिंग के साथ है फ्रंट पे हमने इसके कोटिंग नहीं करवाई है और पावर जैसा कि मैंने आपको बताया था राइट माइनस पोना सिलेंडर फोर्टी फाइव लेफ्ट माइनस पाउ से माइनस आधा हंड्रेड एक्सिस क्लेरियन की ये प्रोडक्ट है पोलराइज ग्रे लेंस हमने इसके अंदर फिट करा है ठीक है जी अच्छा अब मैं आपको इसमें दोबारा से एक मरतबा बता देता हूँ कि पोलराइज चेक करने का तरीका क्या है तो हमने इसके लिए एक दूसरा सन गिलास लेना है वो भी पोलराइज लेंस होगा उस पोलराइज सन को हम रखेंगे 90 डिग्री पर और इस सन को हम रखेंगे 180 डिग्री पर ठीक है जी ये देख लीजिए इसको हमने रखा हुआ है वन डिग्री पर और इस पोलराइज सन को जो कि रेबिन का ही सन है पोलराइज लेंस है जब हमने इसको 90 डिग्री पर रखा तो देखें विजन मेरा ब्लॉक हो गया अब मैं इसी सन uh, को जब 180 डिग्री पर रखूँगा दोनों को 180 डिग्री पर रखूँगा तो आप देखें लेंस के थ्रू हमें विज़न मिल रहा है ठीक है जी ये देखें जब नाइन्टी डिग्री पर रखा तो विज़न ब्लॉक हो गया है और जब 180 डिग्री पर दोनों को रखा तो विजन मिल रहा है